नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट में आपको 3 - 2 i इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और राइट साइड पे 2 × x - 2 y i प्लस 2 i - 1 यानी यहाँ पे एक्स वाई आपको इस साइड पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2 के साथ हो रहा है, यानी मिक्स्ड फॉर्म हमें दी हुई है। कोई इस तरह सेपरेट नहीं है जैसे हमने पार्ट 1 में पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने उनको फ्रैक्शनल फॉर्म मिला के देन वो कंसेप्ट यूज़ कर लिया था। यहाँ पे अभी हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन ही करनी है और उसको सिंपलीफाई करना है पहले। तो यहाँ पे 3 जब x और y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3x बन गया और 3 जब y आयोटा से हुआ तो 3y आयोटा बन गया। अब -2 i x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x आयोटा आ गया, ठीक है, और -2 i वाई आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2y i स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 2 × x है तो 2x 2 × 2 = 4 y i प्लस 2 i - 1, ये आपके पास टर्म्स आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ इस साइड पे हमारी सारी टर्म्स में x और y इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे इन दो टर्म्स में, और ये दो टर्म्स हैं जो x y से हटके हैं, यानी इनमें x y इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हम इस तरह सिंपलीफाई कर लेते हैं इनको कि x वाली टर्म इधर ले आते हैं और यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी पुट करना है। अब नेक्स्ट टाइम में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया इक्वल 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 i माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 i हो जाएगा, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2 साथ में y है इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 i माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में हमें ये दो टर्म्स नज़र आ रही हैं जिनमें x और y इन्वॉल्व है, इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और साइन चेंज करके लेके आएंगे। यहाँ पे 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y, ये 2x इस वक्त पॉजिटिव 2x है, इट मीन्स ये जब राइट साइड लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4y आयोटा प्लस 4y आयोटा बन के आएगा, और ये जो हमारे पास विदाउट x एंड y टर्म्स हैं वो इक्वल के इसी साइड पे रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट्स हैं जिनमें आयोटा नहीं है वो है 3x 2y माइनस 2x, और इसमें भी ये जो 3x है और 2x है ये लाइक टर्म्स हैं, 3x माइनस 2x किया x आ गया और प्लस 2y यानी जो रियल पार्ट है जिनमें आयोटा इंक्लूड नहीं था। अब ये जो रह गया हमारे पास 3y आयोटा 4y आयोटा ये लाइक टर्म्स हैं और कम्प्लेक्स पार्ट्स भी हैं, माइनस 2x आयोटा ये भी कम्प्लेक्स है और 4y आयोटा ये भी कम्प्लेक्स है, इट मीन्स ये जो आपके पास टर्म्स हैं माइनस 2x आयोटा और यहाँ से 4 और 3 7y आयोटा हो जाएगा, जिनको लाइक टर्म्स मैंने टिक किए ये ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 2 i माइनस 1। अब यहाँ पे x प्लस 2y रियल पार्ट है और इन दोनों में से हम पॉजिटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस 2x प्लस 7y और आयोटा दोनों में एक जैसा कॉमन था वो यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, प्लस आयोटा कॉमन निकाला है और यहाँ पे माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 i माइनस 1। अब यहाँ पे इस साइड को भी अरेंज कर लेते हैं, x प्लस 2y प्लस आयोटा माइनस 2x प्लस 7y अरेंज इस तरह कर लेते हैं कि रियल पार्ट पहले ले आएंगे और प्लस 2 i बाद में ले जाएंगे, अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे बाय कंपेयरिंग आपके पास जो रियल पार्ट आ रहा है x प्लस 2y वो आ जाएगा इक्वल माइनस 1 के, ठीक है, और सेकंड में जो इमेजिनरी पार्ट है ये जब आपने कंपेयर किया तो माइनस 2x प्लस 7y इक्वल आ गया यहाँ पे, क्योंकि यानी आयोटा टर्म थी ना दोनों में, तो जो बाकी वाला हिस्सा है वो इक्वेट कर लिया क्योंकि इक्वेशन थी। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालते हैं बाय इक्वेशन 1, x ये जो
प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपके पास इक्वेशन थी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो टू वाई है इसको इक्वेशन के राइट साइड पे इधर ला के सॉल्व कर लेंगे, इसको इस साइड पे लेके आए तो प्लस टू वाई था, माइनस टू वाई हो जाएगा। अब ये जो आपके पास आया है इसको पुट करते हैं इन टू, ये जो एक्स की वैल्यू आई है आपके पास इसको बॉक्स बना दें, इसको टू में पुट करने हैं। अब टू इक्वेशन हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगी कि माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे माइनस टू एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है ये वाली, माइनस वन माइनस टू वाई प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू, टू वन इज टू, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे टू आ गया, माइनस माइनस प्लस, टू टू ज़ार फोर वाई प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू। यहाँ पे आपके पास वाई और वाई ऐड किए, लाइक टर्म्स ऐड किए तो इलेवन वाई हो गए, और ये जो टू है ये इक्वेशन के राइट साइड पे लाके टू माइनस टू कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा इलेवन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई है वाई की। अब इसको हम पुट करेंगे इन वन, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन यहाँ पे थी, ये वाली इक्वेशन वन है, तो इक्वेशन वन आपके पास इम्प्लाई करेगी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन। अब एक्स प्लस टू वाई, वाई की वैल्यू ज़ीरो पुट की, इज़ इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ पे आपके पास एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन सेकेंड आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने वाई की वैल्यू पुट की है जिससे हमारा आंसर एक्स प्लस ज़ीरो एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। हैंस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस वन, वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों आंसर्स को कंबाइन लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्री प्लस फोर आयोटा होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई आयोटा, और यहाँ पे माइनस टू इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा, यानी ये टर्म्स एक्स वाई वाली है, इसको पूरा का पूरा हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे। एक्स प्लस वाई आयोटा ऑलरेडी था यहाँ पे, और ये प्लस टू इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा आपके पास है, यानी एक्स वाई वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिए। अब यहाँ पे सिंपल ये चीज़ रह गई है, ये जो होल स्क्वायर है इसको आप थ्री प्लस फोर आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा टू टाइम्स लिख सकते हैं, होल स्क्वायर का मतलब वो चीज़ टू टाइम्स है, एक्स प्लस वाई आयोटा, और यहाँ पे टू को मल्टीप्लाई किया, टू एक्स से होगा तो टू एक्स, टू वाई आयोटा से होगा तो माइनस टू वाई आयोटा आपके पास आ गया। अब यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व आयोटा, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व आयोटा, फोर फोर ज़ार सिक्सटीन आयोटा 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 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स किया, थ्री एक्स आ गया, और वाई आयोटा माइनस टू वाई आयोटा माइनस वाई आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ये दो लाइक टर्म्स थी और ये दो लाइक टर्म्स थी, इनको सॉल्व किया, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करने, और ट्वेल्व आयोटा ट्वेल्व आयोटा सेंटर में ट्वेंटी फोर हो जाएगा, तो नाइन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस सिक्सटीन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई आयोटा। अब हमारे पास ट्वेंटी फोर आयोटा था, नाइन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई आयोटा, आपके आपके पास नाइन माइनस सिक्सटीन हो जाएगा माइनस सेवन, माइनस सेवन प्लस ट्वेंटी फोर आयोटा इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई आयोटा। अब लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, आपके पास एक्स आ जाएगा माइनस सेवन इक्वल टू थ्री एक्स आ जाएगा, और यहाँ से माइनस सेवन ओवर थ्री आ जाएगा एक्स। इसी तरह जो आपके पास आएगा रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर किया तो ट्वेंटी फोर और यहाँ से माइनस वाई, ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू माइनस वाई। अब आपको वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, नॉट माइनस वाई, तो ये माइनस का साइन ट्वेंटी फोर की तरफ भेज देते हैं, तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए। हैंस इनको ठीक करके लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस सेवन ओवर थ्री, थोड़ा सेट करके लिख लिए, एंड वाई इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, ये आपके पास दोनों आंसर आ गए।